नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज़। उपखंड महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक ललित सिंह शंखाला ने बताया कि अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर प्रशासन और उपखंड महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयुक्त गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय दरबार स्कूल में राज्यसभा सांसद नीरज डोंगी के मुख्य अतिथि में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नीरज डोंगी ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत करी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नीरज डोंगी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे युग के पुरुष हैं जिनका जीवन देश हित को समर्पित था। डोंगी ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब के नाम और काम की गूंज अमेरिका तक है। यह नामचीन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर बाबा साहेब की प्रतिमा लगी है। देश की एकता हेतु उनकी सकारात्मक सोच, राष्ट्रीय स्तर पर दूरदर्शी दृष्टिकोण और व्यक्तिगत जीवन में उनकी योग्यताएं अतुलनीय है। आइए उनके जन्मदिवस पर उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के प्रण को दोहराएं एवं उनके जीवन से प्रेरित होकर देश हित में अपनी भागीदारी निभाएं। कार्यक्रम की शुरुआत में उपस्थित कार्यक्रम के अतिथियों और जीवन दर्शन समिति के पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सदैव और सदैव समता युक्त एवं शोषण मुक्त समाज के निर्माण के लिए कार्य करूंगा मैं भारत देश की संप्रभुता एकता एकात्मता में विश्वास रखता हूं और सदैव छुआछूत अस्पृश्यता जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए कार्य करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपने जीवन में सामाजिक समरसता के विचार का अनुपालन करूंगा और कराऊंगा। धन्यवाद।